क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने जा रही है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी? हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी और सपा मिलकर क्या कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए रणनीति बना रहे हैं? क्या कांग्रेस से बात नहीं बनने पर आम आदमी पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी कर देगी? ये और इस तरह के तमाम सवाल हरियाणा चुनाव से पहले उठ रहे हैं। हरियाणा में सपा कांग्रेस में भी बात बिगड़ती दिखाई पड़ रही है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से सीटों के समझौते पर बातचीत तो हो रही है लेकिन सहमति नहीं बन रही है। दरअसल कांग्रेस के लिए सपा का एक हाथ दो दूसरे हाथ लो वाला फॉर्मूला तैयार है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सपा के साझेदारी के प्रस्ताव पर अभी तक विचार न होने से दोनों दलों के बीच खटास जैसी है। वहां सपा आम आदमी पार्टी को सक्रिय कर सकती है ऐसी तैयारी है। सपा सूत्र कह रहे हैं कि इसका यूपी के विधानसभा उपचुनाव पर भी असर दिखेगा। सपा नेतृत्व ने ये यहां भी कांग्रेस के दावे को स्वीकार न करने का मन बना लिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा ने इंडी गठबंधन के तहत 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर को बनाने की रणनीति के तहत एक हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जिंद जिले की जो एक सीट सपा ने अपने एक प्रत्याशी को लड़ाने के लिए मांगी थी उस पर भी कांग्रेस ने विचार नहीं किया। अभी तक सपा के प्रस्ताव पर कांग्रेस हाईकमान ने किसी तरह का कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। इससे सपा नेतृत्व की नाराजगी भी देखी जा सकती है। शायद इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली थी। हरियाणा चुनाव में इंडी गठबंधन को मजबूत करने संबंधी पोस्ट पर शुक्रवार को अपनी पोस्ट में अखिलेश ने एक बार फिर कांग्रेस का नाम नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम होगी हरियाणा में सपा उसे अपना समर्थन देगी, यानी इसका मतलब कांग्रेस नहीं होता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा था कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हमने कई बार कहा है, एक बार फिर दोहरा रहे हैं और आगे भी कुछ ऐसा ही कहते रहेंगे कि बात सीट की नहीं जीत की है। हरियाणा के विकास और सौहार्द के विरोधी बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक विभाजनकारी राजनीति को हराने में इंडिया अलायंस की पार्टी जो भी पार्टी इसमें सक्षम होगी हम उसके साथ अपने गठबंधन को संगठन को समर्थकों को शक्ति के रूप में जोड़ देंगे। बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको बीजेपी की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। इसके साथ ही हरियाणा के सच्चे विकास और जनता के कल्याण की है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा के विकास को 20 साल पीछे ढकेल दिया है। ये थी अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट और हम एक बार फिर दोहरा दें कि उन्होंने एक बार भी कांग्रेस का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन के वो दल जो कि बीजेपी को हराने के लिए लगेंगे। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा था कि हम मानते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए यह समय अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशने का नहीं है बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग परित्याग के लिए तैयार हैं। इंडिया अलायंस की पुकार, जनहित में हो बदलाव। यह थी अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें वो बड़ा दिल दिखाने का संकेत देने की बात कर रहे हैं। फिर से दोहरा रहे हैं हम कि उन्होंने कहीं पर भी इंडिया गठबंधन के दल के अलावा कोई भी बात नहीं बोली। इंडिया गठबंधन के दल में कांग्रेस भी है और आम आदमी पार्टी भी। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद माना यह गया कि हरियाणा में सपा आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर विचार कर रही है। चर्चा यह भी थी कि कांग्रेस से सीटों की साझेदारी पर बात न बनने के बाद आम आदमी पार्टी वहां सभी 90 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देगी। खेल तो बिगड़ेगा ही कांग्रेस का। 1-2 दिन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी आम आदमी पार्टी कर सकती है ऐसी चर्चा है। आपको बता दें यूपी के विधानसभा के उपचुनाव में बाय इलेक्शंस में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें मांग रही है। सपा सूत्र कह रहे हैं कि हरियाणा को उदाहरण सामने रखते हुए यहां सपा कांग्रेस को हिस्सेदारी के मामले में ठेंगा दिखा सकती है। इतना ही नहीं, इसकी तपिश 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने मिल सकती है।
आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होनी है। इसके पहले हरियाणा में 1 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन बिश्नोई महासभा ने चुनाव आयोग से तारीखों में बदलाव की बात की, बदलाव की मांग की, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तारीखें बदली। 5 अक्टूबर को अब यहाँ एक चरण में वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा के चुनाव के परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके के संकेत यहाँ खास तौर से इंडिया गठबंधन के दल और कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं, ऐसा लगता है चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और अगर समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर देगी तो आप समझिए कि कितना बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम ये होगा। तब जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा चल रही है, तब जबकि आने वाले उत्तर प्रदेश के बाय इलेक्शंस को लेकर चर्चा हो रही है, तब जबकि हरियाणा में मजबूती के साथ सपा उतरने की बात कह रही थी, अब ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन देती है तो वाकई में बीजेपी के खेमे में, एनडीए के खेमे में इसकी चर्चा खूब होगी और इस मुद्दे को भी हाथों हाथ लिया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।